वेलकम बैक टू माई चैनल। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन दिस मच एंड जस्ट मुझे ये थोड़ा सा एक पीस मिला जिसकी वजह मैंने इसको रिप्लेस किया क्योंकि फ्लावर एक जैसा ही हमें बनाना था। ये अभी वेट था तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये करके नहीं बताया था। आपको सेम चीज़ ये करनी है, जो पैटर्न आपको देना है वो गीले पे ही देना है। तो डोंट लेट गेट ड्राई एंड जस्ट मेक इट लाइक दिस। आपको ये आपने ऐसे करना है, ठीक है? बहुत अच्छे से यहाँ प्रेशर देते हुए आपको जाना है ताकि ये चीज़ स्टार्ट आपको यहाँ से करनी है, ठीक है? अब जो मैंने दूसरा क्ले आपको बनाना बताया था उसके साथ हम लीफ बनाएंगे। वो थोड़ी सी रेशे वाली लीव्स बनेंगी। और इसको देखिए, मैंने जो क्ले लिया था इसको मैंने थोड़ा पाउडर, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, ठीक है? साइड कर दे रही हूँ। ये इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर मिक्स किया है क्योंकि इसमें आपको याद होगा कि कुछ टिश्यू पेपर भी मैंने ऐड किए थे और मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया था। तो ऑयल पेंट और फेविकोल और टिश्यू पेपर सारी चीज़ें मिलके ये बहुत सॉफ्ट बनी है, इसमें काफ़ी रेशे हैं। तो जो हम लीफ बनाएंगे वो इससे बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट आएगी, ठीक है? ये देखिए, अब हमारा ये हो गया। आप थोड़ा सा पाउडर यहाँ पर निकाल के रख लीजिए, कोई भी टेलकम पाउडर, बेबी पाउडर, ठीक है? ये देखिए थोड़ा सा यहाँ मैंने लिया। हाथों पे पाउडर आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है? इसको देखिए, अब मैंने ऐसे किया, ये बहुत सॉफ्ट है, रेशेदार है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आप एक काम कर सकते हैं, जगह जगह जहाँ आपको लीफ बनानी है वहाँ पे आप फेविकोल डाल दीजिए, हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर और कोई क्ले यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये एक मैथड पर ले लीजिए कि फेविकोल आपको डालना है। मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ जिससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर तरफ आपका फेविकोल, ठीक है? चलिए, अब जो मैंने लीफ बनाई है, ये मैंने लीफ बनाई, लीफ को जिस भी पैटर्न में आपको रखना है, जितनी चौड़ी, जितनी पतली, जितनी पॉइंटेड आपने लिया, ये देखिए ऐसे, जो शेप आपको, अगर आपको प्रॉपर एक फिनिशिंग देनी है तो पानी, ये देखिए मैं पानी ले रही हूँ, फिंगर में मैंने पानी लगाया और जस्ट आपको शेप देनी है इसके हेल्प से, पानी के हेल्प से, कुछ और नहीं, सिर्फ आपको पानी लेना है। अगेन मैंने ये क्ले लिया, ठीक है? ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है? अगेन मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसको ये दो लीफ मैंने यहाँ पे बना दी। इसकी सारी ब्यूटी जैसे अभी है वैसे ही कलरिंग के बाद भी है। ये लिया, थोड़ी छोटी लीफ आप ये बना दीजिए, ये देखिए ऐसे मैंने शेप दिया, यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है? ये चीज़, ये लीफ ऐसे आ रही है, ठीक है? ये लीफ आपकी ऐसे आ गई, थोड़ा सा आपने इसको मोड़ दिया। आप जब भी शेप दीजिए तो पानी, और पानी की हेल्प से दीजिए, ये बहुत ईजिली आ जाएगा और बहुत फाइन आएगा, ठीक है? ये देखिए आपका ये आपकी लीव्स हो गई, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी लीव्स हो गई, ये तीन लीव्स आपकी इधर हो गई। अब जो मैं ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर तरफ थ्री लीव्स ही बनानी है, आप डिफरेंट डिफरेंट लीव्स बना सकते हैं। ये अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिनिशिंग दे दूँ पानी से, ठीक है? अब देखिए, अभी अगेन आपको टूथपिक लेना है, ये वाली बहुत जल्दी सूख जाएगी इसलिए आप अभी ही, अब अगर आपको इसको यहाँ से शेप देना है तो इसी समय आप देंगे, ठीक है? अगर आपको ये वाली लीफ बनानी है जो कट वाली होती है तो आप इसी समय इसको शेप देंगे, ठीक है? क्योंकि एक बार ड्राई होने के बाद ये शेप नहीं आएगा। ऐसे अगेन आपने, ठीक है, ये आपने शेप दिया, यहाँ से आपको शेप देना है तो यहाँ से आप अभी ही देंगे। ये देखिए ऐसे आपको जस्ट टूथपिक की हेल्प से आपको पूरे लीव्स का शेप देना है। ये थोड़ी हमारी मोटी लीव्स है, ज़्यादा इसमें 3D इफेक्ट आएगा। ये देखिए इसको आप थोड़ा सा और पॉइंटेड कर दीजिए, ये
और अगेन आपने इसको भी सेम, अगर ये टूथपिक के साथ आपको हेल्प नहीं कर रही है तो आप अपनी नाइफ लीजिए और थोड़ा सा नाइफ के साथ भी आप पैटर्न डाल सकते हैं। अगर ये चिपक रही है आप इस पे थोड़ा सा पाउडर लीजिए और जस्ट ऐसे आपको ऐसे, ठीक है, ये आपकी लीफ रेडी हो गई है। सेम लीफ आपको यू कैन सी ये वाला जो हमने क्ले बनाया वो डिफरेंट था, ये वाला क्ले डिफरेंट था। अब हम जब कलरिंग करेंगे तो भी डिफरेंट वे में करेंगे, जैसे आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद एक लीफ आपने यहाँ निकाली, सॉरी यहाँ पे मैंने डाला था ना ग्लू, यस यहाँ पे आपने इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेच करिए आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी लीजिए और इसको आप मन चाहा शेप दीजिए। उसके बाद जितना आपको स्ट्रेच करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल हो जाती है, ये जो आपकी टिश्यू पेपर वाली क्ले है ये बहुत, अगर आप चाहिए तो इसमें टिश्यू पेपर मत मिलाइए, इट्स नॉट कंपल्शन, ये सिर्फ रेशे के लिए है, आपको डिफरेंस बताना था मुझे इस वजह से मैंने बताया, ठीक है। अभी आप इधर दो लीफ और अगेन अब मैं जो लीफ बना रही हूँ ये देखिए, इसको भी स्ट्रेच करिए। यहाँ पे मैंने टू लीव्स, इधर भी मैंने बना दी, ये देखिए जस्ट आप ये वाला लीफ आप इन डायरेक्शन में एक ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। अगेन थोड़ा सा पानी हाथ में लेके आप इसको अच्छा शेप, अच्छी फिनिशिंग दीजिए। इसकी भी फिनिशिंग आप दीजिए। अगेन आप इसमें शेप दे सकते हैं, तो पहले तो आप फिनिशिंग देंगे थोड़ा सा पानी के साथ, थोड़ा इसको सॉफ्ट बनाएंगे, ठीक है, इसको शेप में लाएंगे, उसके बाद फिनिशिंग के लिए आप नाइफ यूज़ करेंगे या टिश्यू पेपर, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये चीज़ ऐसे आ गई। अगर ये चिपके तो आप इसमें पाउडर लगा लीजिए, ये नहीं चिपकेगी, ठीक है, या हल्का सा पानी में डिप कर लीजिए, दोनों ही, ये देखिए अब इसको यहाँ से पूरा आपको स्टिक करना पड़ेगा जैसे एकदम ओरिजिनलिटी आए, ये देखिए। अगेन आप यहाँ ठीक है, उसके बाद आप इसको अगेन यहाँ पे आप स्टिक करेंगे पानी के ही साथ अंदर लीफ को, और यहाँ पे आप ऐसे ले आएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे आप, ठीक है, ये जब स्ट्रेच होगी यही इसकी ओरिजिनलिटी होगी। यहाँ पे आप ऐसे ट्विस्ट करके इसको निकाल दीजिए, अगर ये चिपक रही है तो आप इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं और ऐसे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप अगर बना रहे हैं तो समटाइम्स जब बिगनर आप होते हैं तो बहुत मिस्टेक होती है, देखने में इजी लगता है अरे ये तो जस्ट इजी है, बट जब आप स्टार्ट करेंगे तो मे बी कहीं कहीं आपको लगेगा कि नहीं चीज़ें बन पा रही है। कोई बात नहीं, आप बनाइए, जो भी अगर छोटा मोटा कोई मिस्टेक होगा आप कलरिंग में उसको कवर कर लेंगे, नहीं तो जब तक ये वेट है ना आप इसको कंप्लीट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये फ्लावर आ गया और ये आपकी लीफ आ गई। आप चाहिए तो अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखिए जो मैंने रोल बनाए थे पहले आपके सामने, ये वाले रोल पाउडर में डालिए और ये देखिए ऐसे आपने इसको हाफ कर दीजिए। आप चाहिए तो अपनी भी कोई क्ले यूज़ कर सकते हैं जो आप बनाएंगे, बट आप इतना ध्यान रखिएगा जो आप क्ले, ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे ये देखिए ये मैंने इसको स्टिक किया यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर सकती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ ये देखिए ये स्टिक किया, थोड़ा सा पानी लेके इसके साथ इसको मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद ये
यहाँ एक और यहाँ पे थोड़ा सा कम करिए, यहाँ पे एक, ठीक है। अभी पानी लेके आप यहाँ पे तीनों को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। ये आपका एक बर्ड या ओ सॉरी आपको दिखा नहीं, ओम सो सॉरी, ये देखिए ये मैंने क्या किया था, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले मैंने ये वाली स्टिक कर ली थी, ठीक है, उसके बाद मैंने इसे बनाया था और यहाँ पे स्टिक कर लिया, उसके बाद मैंने अगेन ये वाला शेप लिया और यहाँ पे स्टिक किया और फिर थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और यहाँ पे इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हमें ये जो फ्लावर पे हमने दिया था वो ही हमें यहाँ भी देना है, क्योंकि ये हमें बर्ड्स टाइप से चीज़ दिखानी है, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पे भी एक बर्ड ला सकते हैं, तो हम उसके लिए अगेन आप थोड़ा सा रोल करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा रोल कर रही हूँ ये लाइन, ठीक है। अगेन आपको जैसे बर्ड यहाँ पे लाना चाहते हैं यहाँ पे ला सकते हैं आप, ठीक है। ओके प्लेस प्रॉपर आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे बर्ड आई थिंक ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लीफ, यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्लड यहाँ निकाल देती हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से इस पोर्शन पे पूरा स्प्रेड कर लीजिए पाउडर के साथ, ठीक है। ये देखिए इक्वली बनाना है ना, तो आप इसके ऊपर रखिए और धीरे धीरे पाउडर ज़रूर लगाइए, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से निकालनी है, ये आपने ऐसे निकाला अपर साइड में, ठीक है, ये आपका मिल गया। अब आपको जो आपने फ्लावर के साथ बनाया था एक यहाँ आपको लगाना है, यहाँ पे शायद यहाँ पे फेविकोल नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्सेस फेविकोल लेके यहाँ लगाया आपने, ठीक है। और इसी के साथ आपने एक और लिया और ये वाला बर्ड आप डबल बनाइए, जैसे वो वाला आपने तीन का बनाया, ये आप सिर्फ डबल बनाइए ऐसे, ठीक है। अगेन आपको पानी लेना है, जस्ट देखिए मैं फिंगर में ऐसे पानी लेती हूँ और आपको सिर्फ डबल, ठीक है। और इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़िए, अगेन आप टूथपिक लीजिए और आपको जैसे आपने फ्लाक के साथ किया था वही चीज़ आप इसके साथ करेंगे, ठीक है। ये आपका लीफ एंड फ्लावर पोर्शन कंप्लीट हो गया। आप सारा एक्सेस जो भी इस पे है या तो ब्लो करके या तो कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले करके आप पूरा हटा दीजिए, क्ले वगैरह, वरना एक बार ड्राई हो जाएगा तो भी आप हटा सकते हैं। बट जो फेविकोल के पास रहेगा, अगर इनकेस वो रह गया, तो उसको आप सैंड पेपर से स्क्रब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फ्लावर एंड लीफ रेडी हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी कलरिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक ये सूख चुका होगा, ठीक है। तो अब आप इसको बनाइए और हमारे साथ शेयर करिए कि आपने क्या बनाया है। और अगर कोई डाउट होता है जस्ट यू कैन डू मैसेज मी, यू कैन मेक अ कॉल, ओके, देन आई एक्सप्लेन। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय।